ये कितने की है? बाय, आते हैं। मैं इधर आ गई। तो यहाँ मोना डिसाइड करी कि हमारे रूम का हाल क्या है। हाय एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा। और मैं फिर से बैठ गई हूँ रिक्शा में। भाई मुझे तो जो खुशी मिलती है रिक्शा में ऐसे ट्रैवल करने में। अभी मैं जा रही हूँ लक्ष्मी नगर का मंगल मार्केट। तो वैसे कोई खास शॉपिंग तो नहीं करनी है। मैंने कुछ कपड़े दिए स्टिच करने के लिए, वो मैं लेने जा रही हूँ। बिकॉज शादी है मेरी फ्रेंड का, उसी की सारी प्रिपरेशन चल रही है। और अभी हम जाएंगे मंगल मार्केट, तो मेरी फ्रेंड के लिए भी कुछ छोटा छोटा सामान है जो रह गया है, वो मैं लूँगी और अपना सामान लेकर फिर रिटर्न आऊँगी अपनी बहन के घर। और आज मुझे अपने फ्रेंड के घर भी जाना है, मोना के घर। तो पैकिंग वगैरह ऑलरेडी हो चुकी है शादी में जाने की। एक्साइटेड हूँ, फ्रेंड की शादी है तो ऑब्वियस ही बात है, एक्साइटमेंट तो बहुत ही ज़्यादा है। हम बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। और मेरी एक फ्रेंड है अंकिता जो आने वाली है। तो आज मैं अकेले जा रही हूँ मंगल मार्केट। वैसे मुझे इतना तो एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं इधर लक्ष्मी नगर का मंगल मार्केट अकेले घूम सकूँ। वैसे मैं हमेशा अपनी बहन के साथ ही जाती थी, तो वो तो अपने ऑफिस में है। तो मैं अभी निकली हूँ अकेले, तो आज मैं अकेले घूमने वाली हूँ मंगल मार्केट। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे वहाँ से, मैं जल्दी से सारा काम करके रिटर्न आऊँगी। बिकॉज मुझे इवनिंग में मोना के घर भी निकलना है। गाइस ये है मंगल मार्केट जाने का वे, और पता नहीं किस गली से ले जा रहे हैं भैया। जब भी मैं जाती हूँ हमेशा अलग अलग ही गली से जाती हूँ। इसमें सिर्फ दो दो ही देना, और 12 पीस चाहिए मुझे, ठीक है? मनोज भाई वेलवेट दो दो साइज। मुझे लेने हैं मेरे और मेरे फ्रेंड के लिए बैंगल्स, तो मैं वही यहाँ पे देखने के लिए आई थी। बट यहाँ पे साइज़ का इश्यू हो रहा है, और जैसा कलर मुझे चाहिए था वो सेम कलर मिल भी नहीं रहा है। तो मैं यहाँ से रिटर्न हो गई और आ गई मैं टेलर के पास। भैया हुआ हुआ या नहीं किया आपने? ये वाला भैया देखो ना, इसमें मुझे क्या करवाना है, बस थोड़ा सा इसका ना ये बड़ा हो रहा है साइज, इसका थोड़ा कम करवाना है बस, और कुछ नहीं करवाना इसमें। लूज है साइड से बस, बाकी बॉडी सब सही है। बट मेरे को अभी चाहिए थोड़े देर में, कर दोगे? हाँ। ये साड़ी लेकिन पिको नहीं हुआ ना भैया? फॉल लगा हुआ। फॉल ना, तो मैं बिना पिको का नहीं ले जाऊंगी ना इसको। ठीक है, आप छोड़ देना। हाँ, इसको आप करके देना। ये दोनों सूट दिया था बस मेरा फिटिंग सही करने के लिए, तो ये हो गया है, साड़ी का काम नहीं हुआ। अभी विंटर सीजन है, तो मार्केट में पूरा आपको विंटर के कलेक्शंस देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे मैं फिर से आ गई हूँ बैंगल्स देखने के लिए, बिकॉज अब तक मुझे वेलवेट का बैंगल जैसा मुझे चाहिए था वैसा मिला नहीं। एक दो चूड़ी डाल लो, डाल लो। सिर्फ वेलवेट में चूड़ी है भैया? सिर्फ वेलवेट में? सिर्फ वेलवेट 50 के दर्जन। हाँ दिखाना ना। कौन सा कलर? येलो और पर्पल में, हल्का पर्पल। ये कितने की है? कौन सा? ये वाली 150 का। दो सिंगल पीस लेना हो तो? इसमें सिंगल पीस आते नहीं है, ये पेयर के हिसाब से आता है। सिंगल पीस तो भी आता है ना भैया? वो चौड़े ऑक्सीडाइज में खुलने वाले कड़े आते हैं जो आजकल ब्रेसलेट लुक में चल रहा है सर। ना, इसमें और कोई कलर है क्या? इसका ये कलर आएगा, एक ये कलर आएगा। इस कलर में मुझे चाहिए था एक्चुअली, ये वाली जो कलर है ना। इसमें और कोई ऐसे कलर नहीं है। और यहाँ लगे हैं विंटर क्लॉथ्स के सेल, 200 में ट्राउजर मिल रहे हैं। बट मुझे लेना नहीं था, बस मैं देख रही थी किस क्वालिटी का है, कौन सा अलग चीज है। और यहाँ मैं पहुँच गई स्टोल देखने के लिए, मुझे अपने फ्रेंड के लिए लेना था। इसमें और भी कोई कलर वगैरह है तो दिखाते हैं मुझे। ये है ना कलर, ये कलर है। मैं यहाँ पे भैया को बोल रही थी जो भी आपके पास सब दिखाओ, बिकॉज मुझे एक तो देखने से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। फाइनली मेरा जो भी काम था मंगल मार्केट में वो मैं कर चुकी हूँ। थोड़ा लेट हो गया है, इवनिंग का 5:15 हो रहा है टाइम। मुझे यहाँ से मोना के घर भी जाना, मतलब यहाँ से नहीं, मैं अभी घर जाऊँगी, वहाँ से लगेज लूँगी, उसके बाद जाऊँगी मोना के पास। तो टेलर के पास थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि उन्होंने मेरा पूरा काम नहीं किया था। होप सो मैं
टाइम से चली जाऊं मोना घर, क्योंकि अभी ठंड का टाइम है ना तो जल्दी इवनिंग हो जाता है। तो बस निकल रही हूँ अभी मैं यहाँ से रिक्शा में बैठ कर। इवनिंग का 6:20 हो चुका है टाइम और अब मैं निकल रही हूँ लगेज लेकर। वैसे अंधेरा तो हो चुका है। बाय, आते हैं, तुम आ जाना ठीक है जल्दी टाइम पे। चलो भैया, और थैंक गॉड अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, बिकॉज जब भी मैं निकलती हूँ प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन के लिए मुझे बहुत ट्रैफिक मिलता है। बट फॉर्चुनेटली मैं जल्दी ही टाइम से पहुंच जाऊंगी, बिकॉज लेट हो रहा है ना, तो एज यूजुअल मेरा हर टाइम लेट ही हो जाता है पता नहीं कैसे। और मैं पहुंच गई हूँ प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन। जहाँ से मैं आ रही थी वहाँ से डिस्टेंस हार्डली 10 मिनट्स का है, और यहाँ पर भैया ने मेरा लगेज यहाँ तक लाकर छोड़ दिया। अभी मैं पहुँच गई हूँ प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से मुझे जाना है द्वारका सेक्टर 21। अभी मैं वेट कर रही हूँ मेट्रो आने का, और कल शादी के लिए निकलना भी है, तो अभी हम कर रहे हैं इंतज़ार मेट्रो का। मेरे साथ है ये सारा लगेज, यू कैन सी। अभी मेट्रो स्टेशन में बहुत ज़्यादा रश नहीं है, तो आई होप कि मुझे सीट भी मिल जाए, बिकॉज मुझे जाने में 1 आवर तो लगने वाले हैं। अभी टाइम हो रहा है इवनिंग का 7:30, और मैं पहुंच गई हूँ द्वारका मोड़ जहाँ मुझे रीच करना था। एंड यू कैन सी द रश, कितना ज़्यादा यहाँ पे रश है। मुझे तो हाफ डिस्टेंस तक मैं ऐसे ही खड़ी होकर आई हूँ, मुझे सीट भी नहीं मिला था। और मैं पता नहीं कैसे बाई मिस्टेक सुनी कि मुझे द्वारका सेक्टर 21 में उतरना है। और जैसे ही मैं द्वारका मोड़ पहुंची, मैं अपने फ्रेंड को कॉल किया, उसने बोला नहीं यही आपको आना है, तो मैं जल्दी से मेट्रो से निकल गई। मैं इधर आ गई, तुम कहाँ चली गई थी? मोना का घर का एक चीज़ बहुत अच्छा है कि ये फर्स्ट फ्लोर पे रहती है, तो लगेज ऊपर लाने में इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं हुआ। फाइनली मैं पहुँच गई हूँ मोना के घर। एग्जैक्ट 1 आवर लगा मुझे रीच करने में। तो यहाँ मोना डिसाइड कर रही क्या मैं पहनूं संगीत में, है ना मोना? और क्या है एक ऑप्शन, तो तूने ये वाला दिखाया ना, तो ये दोनों में कंफ्यूज हो रही है मोना क्या पहने। ये बहुत अच्छा लग रहा है, बट ये अच्छा लग रहा है बहुत। इसका तो ये दुपट्टा है, इसका स्मेल, ये मेरा भी गाउन का स्मेल इतना ही गंदा करता है। क्यों पता नहीं क्यों, ये कैन वगैरह, ये नहीं नहीं नहीं, ये जो होता है ना आई थिंक, ये जो ग्लू से स्टिक करता होगा ना, वो स्मेल करता होगा, बहुत ही गंदा। हम लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा ड्रेस किस फंक्शन के लिए पहने, बिकॉज गर्ल्स के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं ना कि किस फंक्शन के लिए कौन सा ड्रेस पहने, तो अभी हमारा वही चल रहा है। और मॉर्निंग में हमें कल निकलना भी है, कल से पूजा का फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा शादी का। तो अभी मोना जा रही है डॉक्टर के पास, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो मेडिसिन लेने के लिए जा रही है। तो वो जैसे ही आती है फिर हम लोग रात का डिनर बनाएंगे। सो गाइज, यू कैन सी हमारे रूम का हाल क्या है। हम लोग सारा सामान बेड पे रख दिए हैं, क्या कल पहनना है, क्या इसके साथ मैच करेगा, आप देख सकते हो कैसे हमारा सामान पूरा बिखरा हुआ है। हम और मोना यही कर रहे हैं अभी। सी आज मोना बनाई है चिकन और राइस। सो गाइस, अभी मेरे लिए मोना लाई है चिकन, यू कैन सी, और फर्स्ट टाइम मैं मोना के हाथ का चिकन खाऊंगी, तो आज टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बनाई है। अच्छा होगा मोना, मैं टेस्ट करती हूँ।